गोंडा जिला राजमहल कोल परियोजना के सठे गांव भेरंजा में आज अमर शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें तालजारी पहाड़पुर भेरंजा गांव के लोगों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं देश न्यूज। अभी हम मौजूद है झारखण्ड प्रदेश के गोंडा जिला राजमहल कोल परियोजना के सटे ये जो गाँव है, ये है भेरंजा गाँव, और यहीं पर हम आज उपस्थित हुए हैं। और उपस्थित होने का खास एक वजह है, क्योंकि आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल अमर शहीद वीर सिद्धू कानू का जयंती के अवसर पर यहाँ जी ये भेरंजा गांव में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पूरे विधि विधान के साथ यहाँ सिद्धू कानू की प्रतिमा का पूजा अर्चना कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह लोगों की हुजूम, महिलाओं की हुजूम एवं छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के जो लोग हैं, जो रैयत हैं, वो लोग पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ इस पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस के नज़दीक जो मूर्ति का पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को किस तरह यहाँ के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें ये झारखंड प्रदेश के गोंडा जिला स्थित राजमहल कोल परियोजना जो विगत 150 वर्षों से यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर इस गांव को जाना जाता है, यहाँ पाल तालजारी भेरंडा एवं पहाड़पुर गांव आदि के जो लोग हैं, जो एक आंदोलन का रूप यहाँ पर लिए हुए हैं। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, और उसी संघर्ष के परिणाम को देखते हुए आज उन्होंने इन लोगों ने एक सिद्धू कानू ऐतिहासिक सिद्धू कानू की प्रतिमा का अनावरण भी किया है यहाँ गाँव के जस्ट नज़दीक में। और आप देख सकते हैं पूरे श्रद्धा और उमंग के साथ लोगों की यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस तस्वीर पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के लिए लोग कितने जागरूक हैं एवं यहाँ के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी संदर्भ में यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये लोग क्या क्या इन लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, इस आज जो खासम खास है, इस क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता रविलाल हेम्ब्रम है, और उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। रवि जी, आज जो खास जो दिन है सिद्धू कानू का जो जन्म स्थल है, आप लोग जो मना रहे हो किस तरह मना रहे हो? आज संथाल परगना प्रमंडल क्षेत्र के वीर शहीद सिद्धू कानू मुर्मू का जन्म दिवस है, और आज जन्म दिवस पर ही हम लोगों ने भेरंजा, पहाड़पुर, तलजारी, बापुर के सभी मौजा के ग्रामीणों ने 30 जून को हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग 11 अप्रैल 2022 को सिद्धू कानू मुर्मू का अनावरण करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो सोचा था वो आज पूरा हो गया, और हम लोग लगातार जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ का राजमहल परियोजना को जमीन हम लोग नहीं देंगे, और उसके यादगार में इस ज़मीन को बचाने के लिए हम लोगों ने वीर शहीद सिद्धू कानू मुर्मू का अनावरण किया है। और इसकी प्रतिमा को देखकर इस क्षेत्र के ग्रामीणों को एक उम्मीद जगेगा कि जिस तरह सिद्धू कानू मुर्मू ने 1855-56 में एक विद्रोह शुरू किया था और अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक मुहिम जो छिड़ा था, उसी के बदौलत आज आदिवासी सुरक्षित हैं। और आज भी हम लोग उन्हीं के याद में उसकी प्रतिमा को याद कर जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आगे संकल्प लेंगे और जमीन को बचाएंगे। सर, लोगों को क्या संदेश देंगे, जो स्थानीय जो लोग हैं, जो दर्शक गणों को आप क्या संदेश देंगे? स्थानीय लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज हम लोग जो वीर शहीद सिद्धू कानू मूर्ति का अनावरण किए हैं, उन्होंने जो 1855-56 से जो विद्रोह किया था, उन्होंने जो किया, जिसे हम लोग आज बोलते हैं कि SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, जो आदिवासियों का, संथाल आदिवासियों का जमीन को रक्षा करने का एक कवच है, तो उसी तरह इन सिद्धू कानू के प्रतिमा को देखकर, याद कर
लोगों को यही संदेश देंगे कि इनके जैसा हम लोग भी करेंगे, जल जंगल जमीन को बचाएंगे और हम लोग अपना जमीन को बचाएंगे तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह आदिवासी भी जमीन के बिना इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं।